नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की एक्सपायरी काफी वॉलिटिलिटी भरी रही। आपने बाजार में देखा कि निफ्टी ने 22,300 22,100 दोनों लेवल्स पहले टेस्ट करे, लेकिन सेकेंड हाफ में वन साइडेड शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और 22,400 के ऊपर निकल गया बाजार। निफ्टी में एट द एंड 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी रही, 22,400 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाया बाजार। अब लाइफ हाई से अगर आप काउंट करो तो केवल 400 पॉइंट दूर है। परसेंटेज टर्म्स में ये 2% भी नहीं होता है। तो बाजार तो बुल है, इंडेक्स लेवल पे मार्केट तो हाईस पे ही खड़ा है। 21,800 के सामने 22,400 ऑलरेडी आ गया है आपका, और विद इन अ वीक पूरी रिकवरी आ गई है आपके लिए। अब सवाल ये उठता है कि आगे की जर्नी कैसी रहेगी, क्या यहाँ पे एंट्री ले ली जाए। तो सबसे पहले आज दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो एक्सपायरी कहां होती है, एक्सपायरी तो अच्छी हो गई, शॉर्ट कवरिंग बढ़िया ट्रिगर कर गई, और दूसरा था डेटा। डेटा में भी आज एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, एफआईआईज के सेलिंग रुकी है कैश मार्केट में। कैश मार्केट में एफआईआईज की आज सेलिंग का फिगर बड़े लंबे समय बाद 1,000 करोड़ के नीचे का आया है। बेचा उन्होंने आज भी, बट आज बहुत छोटा बेचा है, 776 करोड़ की सेलिंग है, जिसके सामने DIIs 2127 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं। तो ये बाजार में आज पॉजिटिविटी आ गई, जिसने बाजार को ऊपर की तरफ खींच दिया। अब ये हफ्ता थोड़ा लंबा है, आप सभी को भी पता है, कल भी ट्रेडिंग होगी और परसों भी होगी, सैटरडे बाजार बंद नहीं है। डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग होगी, दो चरणों में खुलेगा, बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं जब उस दिन खबर आई थी। बाकी कल एक बार फिर पोस्ट मार्केट आपके साथ सारी की सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा कि कैसे बाजार खुलेगा, कब बाजार खुलेगा, स्टॉक्स में कैसी मूवमेंट रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, निफ्टी को डिस्कस करना इस समय बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि कल जो भी होगा फ्रेश होगा, ठीक है। तो निफ्टी का लेवल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही नहीं, अपडेट्स पे और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे आते हैं बिना किसी देरी के। डेटा मैंने आपको बता दिया, FIDIs का, FIIs की सेलिंग का फिगर बहुत छोटा आया है आज एज कंपेयर टू अदर डेज, और DIIs अच्छा खासा लेकर गए हैं, तो वो बाजार में आज एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट था। अगर मैं बात करूं अपडेट्स की, तो अमेरिका 40,000 के ऊपर डाउ जोन्स फर्स्ट टाइम निकलता हुआ दिखाया, लाइफ हाई लगाया है अमेरिका में डाउ जोन्स ने 40,000 के ऊपर का। हालांकि अभी 40,000 से 15 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, बट आज 40,051 का स्पॉट में उन्होंने हाई लगा दिया है, तो ये सबसे बढ़िया बात है, और हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। हालांकि कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं है, बस हरा निशानी है। डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव, नेस्डेक फ्लैट टू पॉजिटिव, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव, रसल 2000 में 1/3% की गिरावट है, और विक्स उनका फ्लैट है। कुछ खास मूवमेंट आ नहीं रही है। बाकी ग्लोबल मार्केट में यूरोप और एशिया दोनों हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। अगर इंडेक्सों की बात करी जाए तो सिर्फ इतना ही, स्टॉक लेवल पे आ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो नाम बताना चाहूंगा जिनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और कल एक्शन में रहेंगे। IIFL सिक्योरिटीज के नंबर आए हैं, नंबर अच्छे दिख रहे हैं। ईक्लर्क सर्विसेज के रिजल्ट्स आए हैं, एवलॉन टेक्नोलॉजीज के नंबर आए हैं, रत्नामणि मेटल्स, इंडियन ह्यूम पाइप, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, वोडाफोन आइडिया, DCX सिस्टम, कॉन्कोर, सनसेरा इंजीनियरिंग, प्रिंस पाइप, जोडियाक एनर्जी, त्रिवेणी टर्बाइन, किम्स, JK पेपर, कैंस टेक्नोलॉजी, बायोगन, पुकरना, नौकरी यानी इन्फो एज, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं और कल रिएक्ट करेंगे। एक्जोनोबल, एलिकॉन, कैस्टलॉय, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वीगार्ड, ये सारे स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं और कल आपके लिए रिएक्शन आएगा। वेदांता, इसने डिविडेंड भी दे दिया है 11 रुपये प्रति शेयर का, और फंड रेजिंग पे भी कंपनी ने विचार करा है, 8,500 करोड़ का फंड रेज करने वाली है, और इस फंड को यूज करेगी वेदांता कॉपर इंटरनेशनल प्लांट के लिए। साथ ही साथ PB फिनटेक कल ब्लॉक डील होने वाली है, जहां पे प्रोमोटर्स बेचने वाले हैं, दो प्रोमोटर बेचेंगे इस कंपनी में, और अराउंड 1,000 करोड़ के समथिंग का ये सौदा होगा, जहाँ पे बिकवाली होगी और अराउंड 6% के डिस्काउंट में होने वाली है। तो ये स्टॉक एडिशनल आपके लिए ट्रिगर रहने वाले हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक और डिविडेंड स्पेसिफिक और भी बात करी जाए तो सबसे पहले कल का रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ शेयर करता हूँ कि कल कहाँ कहाँ नंबर आने वाले हैं बड़े नामों में। तो शुरू करते हैं एक करके नंबर शेयर करना। JSW एनर्जी इसके नंबर, JSW स्टील, जाइडस लाइफ साइंसेस, NHPC, एस्ट्रल, रेल विकास, फेनोइक्स मिल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ग्लोबल हेल्थ, ग्लैक्सो स्मिथ फार्मा, डिलीवरी, बंधन बैंक, JB फार्मा, गोदरेज इंडस्ट्री, फाइजर, शोभा, विनती ऑर्गेनिक्स, पॉली मेडिक्योर, अंबर एंटरप्राइजेस, जी एंटरटेनमेंट, SCI, वेरॉक इंजीनियरिंग, किर्लोस्कर फेरस, RCF, L&T फूड्स, ये सारे स्टॉक हैं जो कल अपने नंबर्स पेश करेंगे और एक्शन में रहेंगे आपके लिए। आपको याद होगा जब टाइटन के खराब नंबर आए थे, मैंने आपसे कहा था स्टॉक अलर्ट फॉर टुमारो, ये स्टॉक गिर सकता है 5% तक। स्टॉक क्रैश हुआ था अराउंड 8%।
स्टॉक में मैंने जिस दिन क्रैश हुआ ओपन मार्केट में वीडियो बनाई कि 3280 से लेकर 3250 बाइंग की रेंज है, इसे उठाओ 3500 रुपए का लक्ष्य बनेगा। टाइटन ने आज काफी प्यारा मूव दिया है, 3334 रुपए पे आकर बंद हुआ है। काफी लोगों ने लिया भी था, कमेंट भी किया था कि भाई हमने लिया है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि शायद टाइटन आपका पैसा बनाने वाला है, क्योंकि टाइटन में जो गिरावट थी वो कंप्लीट होते हुए दिख रही है और चार्ट ऐसा कह रहा है कि ऊपर जाने के लिए तैयार है। जो हमारे 3500 के टारगेट्स थे 10% के लिए, 6 महीने का समय मांगा था मैंने, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, इसी हफ्ते क्रैश हुआ और इसी हफ्ते टारगेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 3333 पे है, मेरे को लगता है 3400 का लेवल आपके लिए बहुत ही जल्दी अचीवेबल लग रहा है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है। आज बाइंग आई है और वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है, डे आई पे क्लोजिंग आई है, तो ये दो तीन चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं, एक्स्ट्रा पॉजिटिव। एक और स्टॉक है जो टेक्निकल टर्म्स पे सजेस्ट कर रहा है तेजी के लिए, वो है टाटा कम्युनिकेशन। इसका 3 महीने का चार्ट दिखाऊं मैं आपको तो सॉरी आप अपने आप ओपन करना, मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं। 2061 रुपीज के भाव पे था 5 अप्रैल को, वन साइडेड टूटा शेयर 1722, वहां पे कंसोलिडेट करता है लगभग 10-15 ट्रेडिंग सेशन और अभी ऊपर आ रहा है और सारे के सारे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। 1805 की क्लोजिंग है, कोई भी रुकावट नहीं है 1850 तक और इवेंचुअली स्टॉक 1950 2000 रुपए तक की जर्नी भी दिखा सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन जो चार्ट्स पे काफी अच्छा बेस बना के ऊपर आ रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, 1720 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, डेटा था, ग्लोबल मार्केट थी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।